तीसरे फेज में 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक, बाकी बचे चरणों की तैयारी। तो दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में यूपी की 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शाम 6 बजे संपन्न हो गया है। इस चरण में 2,16,00,000 वोटर्स ने 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दिया है। तीसरे चरण में कई हाई प्रोफाइल चेहरे अखिलेश यादव करल सपा और एसपी सिंह बघेल करल भाजपा, सतीश महाना महाराजपुर भाजपा, अश्विन अरुण कन्नौज भाजपा, लुइस खुर्शीद फरुखाबाद कांग्रेस, शिवपाल यादव जसवंत नगर सपा, रामवीर उपाध्याय सरादाबाद भाजपा, हरि ओम यादव सिरसागंज भाजपा। तीसरे चरण में 16 जिलों में मतदान संपन्न। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले एटा फरुखाबाद मैनपुरी कासगंज और हाथरस में 19 सीटें हैं। अवध में कानपुर शहर और देहात और ओरिया फरुखाबाद कन्नौज इटावा के 6 जिले में 27 सीट है। बुंदेलखंड में झांसी जालौन ललितपुर हमीरपुर महोबा की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न है। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चलिए दोस्तों इससे पहले हम बात कर लेते हैं तीसरे चरण होने के बाद तीनों चरणों में इसी के साथ बाकी सभी चरणों में किसे कितनी सीट मिलेगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक सीट के विवरण यानी कि एक एक चरण के विवरण के बारे में। ताजमहल यानी आगरा का ताजमहल की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी खत्म है 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 1, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0, तो अन्य पार्टी खत्म भी यहां पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीटें यानी अलीगढ़ यानी कि हरिगढ़ यानी अलीगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खत्म है 4, समाजवादी पार्टी खत्म है 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की। जी हाँ दोस्तों, मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की पांचों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती है। और समाजवादी पार्टी खत्म है 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 0, कांग्रेस पार्टी खत्म है 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर सुपड़ा सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीट का सर्वे अब किस में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 15, समाजवादी पार्टी खत्म है 4, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 2, कांग्रेस पार्टी खत्म है 0, तो अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं शामली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खत्म है 2, समाजवादी पार्टी खत्म है 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 0, कांग्रेस पार्टी खत्म है 0, तो अन्य पार्टी खत्म है अभी यहाँ पर 0-0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। बागपत की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खत्म है 1, तो समाजवादी पार्टी खत्म है 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खत्म है 5, समाजवादी पार्टी खत्म है 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 1 सीट और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीट का जनता की राय, जनता का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 23 सीटें, समाजवादी पार्टी खत्म है 7 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खत्म है 0, तो अन्य पार्टी खत्म है 0-0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर मेरठ है यानी कि मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खत्म है 5, समाजवादी पार्टी खत्म है 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म एक सीट मालूम होती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है यानी कि सुपड़ा साफ हो सकता है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खत्म है 3, समाजवादी पार्टी यानी सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की। 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खत्म है 1, समाजवादी पार्टी खत्म है 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जनता की राय और जनता का ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर 32 सीटों पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खत्म है 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 8, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 8, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर निकल के आ रहा है हापुड़,
बुढ़ापुर की तीन विधानसभा सीटें हैं, तीन में से यहाँ पर बीजेपी खत्म है, एक तो समाजवादी पार्टी खत्म है, एक बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म भी एक सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। गाजियाबाद की पांच विधानसभा सीटें हैं, पांच में से यहाँ पर बीजेपी खत्म है, पांच में से तीन पर बीजेपी तो एक पर समाजवादी पार्टी, एक पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। बिजनौर की आठ विधानसभा सीटें, आठ में से छह पर बीजेपी तो एक पर सपा, एक पर बसपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 66 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 42, समाजवादी पार्टी खत्म है 13, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है 11, कांग्रेस पार्टी खत्म है 0, तो अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बरेली की, नौ विधानसभा सीट है, नौ में से सात पर बीजेपी, एक पर सपा, एक पर बसपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। बदायूं जिले की छह विधानसभा सीट है और छह में से यहाँ पर बीजेपी खत्म है, तीन समाजवादी पार्टी खत्म है, दो बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है एक सीट। शाहजहापुर की छह विधानसभा सीटें, छह में से बीजेपी खत्म है, दो समाजवादी पार्टी खत्म है, दो बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म है दो सीट। यानी कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी कि सपा हो या बसपा, दोनों ही पार्टी यानी तीनों ही पार्टियों में यहाँ पर दो दो सीट पर ही नवाजा जा सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 54, बसपा खाते में 18, 15 और सपा खाते में 18 और बसपा खाते में 15, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं रामपुर की पांच विधानसभा सीटें, पांच में से तीन पर बीजेपी तो दो पर समाजवादी पार्टी, सहारनपुर की सात विधानसभा सीटें, सात में से तीन पर बीजेपी तो दो पर सपा, एक पर बसपा और अन्य पार्टी खत्म में एक सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। संबल की चार विधानसभा सीटें, चार में से बीजेपी खत्म है, दो समाजवादी पार्टी खत्म है दो सीट है, बहुजन कांग्रेस और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 103 यानी बाकी बची 300 सीटों का सर्वे आपको आने वाले सीटों पर बताने वाले हैं, तो यहाँ पर 103 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते 62 सीट, समाजवादी पार्टी यानी सपा खाते में 24 सीट, बसपा खाते में 16, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, तो अन्य पार्टी यहाँ पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अमरोहा की चार विधानसभा सीट है, चार में से दो पर बीजेपी तो एक पर सपा, एक पर बसपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। मुरादाबाद की छह विधानसभा सीट है, छह में से बीजेपी, सपा, बसपा यानी कि तीनों ही पार्टियों के यहाँ पर दो दो सीटों पर नवाजा जा सकता है। फरुखाबाद की चार विधानसभा सीटें हैं, चार में से दो पर बीजेपी तो एक पर सपा, एक पर बसपा को यहाँ पर 0, तो कांग्रेस पार्टी खत्म है एक सीट मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 68 सीटों पर बीजेपी तो सपा खत्म है 28, बसपा खत्म है 19, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिल पा रही है। इटावा की तीन विधानसभा सीट है, तीन में से बीजेपी खत्म है, दो सपा खत्म है एक सीट। एटा की चार विधानसभा सीट है, चार में से बीजेपी खत्म है, तीन एक सीट सपा खत्म है, बसपा कांग्रेस और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। कानपुर देहात की चार विधानसभा सीट है, चार में से बीजेपी खत्म है, चारों की चारों सीटें, बाकी सभी पार्टी का यहाँ पर सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 128 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 77, सपा खाते में यहाँ पर 30, बसपा खाते में 19, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अन्य पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। महाराजगंज की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर तीनों की तीनों विधानसभा सीट ऊपर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। हाथरस की तीन विधानसभा सीट है, तीन में से बीजेपी खत्म है, तीनों की तीनों सीटें, सपा हो या बसपा, बसपा हो या कांग्रेस, यहां पर सुपड़ा साफ यानी कि एक भी सीट पर जीत हासिल कर नहीं सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है, तो यहां पर बीजेपी खत्म है 91, सपा खत्म है 31, बसपा खत्म है 20, कांग्रेस पार्टी खत्म है 1, अन्य पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खत्म है, 2 सपा खत्म है 1 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खत्म है, 4 की 4 सीटें यानी कि चारों की चारों सीटों पर बीजेपी।
आपको क्या लगता है झांसी में किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, झांसी की रानी यानी कि झांसी कितना महत्व रखती है झांसी हमारे लिए। महोबा की दो विधानसभा सीट है, दोनों की विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ठप्पा मार सकती है। सपा बसपा कांग्रेस यहाँ पर टिक नहीं पाएगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 153 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर 99% यानी कि 99 सीटों पर बीजेपी और सपा खाते में 32, बसपा खाते में 20, कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य पार्टी को 1 सीट यानी कि 1-1 सीट मामूली सीटें दे रही है जनता, देख लो। ललितपुर की दो विधानसभा सीटें, दो में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों सीटें, क्या मालूम है दोनों की दोनों सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है। सपा बसपा कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। हमीरपुर की दो विधानसभा सीटें, दो में से बीजेपी खाते में एक, तो सपा यानी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 0 और बसपा खाते में 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है, यहाँ पर बीजेपी खाते में 104, सपा खाते में 33, बसपा खाते में 21, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, तो अन्य पार्टियों पर 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है औरैया। औरैया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 3 की 3 विधानसभा सीटें। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 2 सीट। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 172 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 113 सीटें, सपा खाते में 36, बसपा खाते में 21, कांग्रेस पार्टी को 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, तो 2 पर सपा, 1 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बिजी जिला लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 6, सपा खाते में 2, बसपा खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 193 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 127, सपा खाते में 41, बसपा खाते में 23, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 2 सीटें। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल पा रही है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, तो 3 पर सपा, बसपा कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिल पा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 211 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर 138 सीटों पर बीजेपी, तो सपा खाते में 47, बसपा खाते में 23, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात करते हैं उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की अगले जिलों की बात करें तो यहाँ पर फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर सपा, 1 पर अन्य पार्टी काबिज हो सकती है, बसपा और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सीतापुर के 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 8, तो सपा खाते में 1 सीट यानी अखिलेश यादव को 1 सीट मिल पा रही है, बसपा कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 232 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर 153 सीटों पर बीजेपी, तो 151 सीटों पर सपा बसपा खाते में 24, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में 2 सीट मिल पा रही है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 248 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 165, सपा खाते में 53, बसपा खाते में 26, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट मिल पा रही है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा बसपा कांग्रेस यहाँ पर सुपड़ा साफ है, अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 0 पर सपा, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट मिल पा रही है। प्रयागराज की, जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से यहाँ पर 10 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0, तो कांग्रेस पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0-0 सीट।
दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 269 सीटों का सर्वव्यापी स्कीम दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 183 सीटों पर बीजेपी सपा खाते में, 54 बसपा खाते में, 27 कांग्रेस पार्टी खाते में, 3 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल पा रही है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें 5 में से बीजेपी खाते में, 1 तो सपा खाते में, 2 बसपा खाते में, 1 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें 7 में से बीजेपी खाते में, 5 सपा खाते में, 1 बसपा खाते में, 1 सीट है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें 6 में से बीजेपी खाते में, 3 सपा खाते में, 1 बसपा खाते में, 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 287 विधानसभा सीट का सर्वे अब किस में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 192 सीटें, सपा खाते में 58, बसपा खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, दो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में, 2 सपा खाते में, 1 सीट है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में, दोनों की दोनों विधानसभा सीटें। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में, 2 सपा खाते में, 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 296 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 198 सीट है, सपा खाते में 60, बसपा खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धार्थ नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में, 3 सपा खाते में, 1 बसपा खाते में, 1 सीट। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में, 3 सपा खाते में, 2 सीटें। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में, 2 सपा खाते में, 1 बसपा खाते में, 0 कांग्रेस पार्टी का, 0 अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 309 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी जीत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों इसी तर्ज पर आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों आप भी चाहते हो कि बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म पर फैला दीजिए। सबको पता लगना चाहिए कि 2022 में यानी कि 10 मार्च को बीजेपी दोपहर 2 बजे जीत का डंका बजाने वाली है। इस कमेंट बॉक्स और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर शेयर करना अवश्य है। सपा को यहाँ पर 64, बसपा खत्म है 30, कांग्रेस पार्टी खत्म है 4, तो अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खत्म है 9 की 9 विधानसभा सीटें। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर सपा, 1 पर बसपा। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर सपा, 0 पर बसपा, कांग्रेस पार्टी को 0, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 330 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 223 सीटें, सपा खाते में 67, बसपा खाते में 32, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही है। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 2, बसपा खाते में 1 सीट है। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर सपा, 1 पर बसपा। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर सपा, 1 पर बसपा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 349 यानी कि 6 चरणों का ओपनिंग पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 234 सीटें, सपा खाते में 72 सीटें, बसपा खाते में 35 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, सपा खाते में 1 सीट है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 3 पर बीजेपी तो 7 पर सपा। भदरोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 371 विधानसभा सीट का सर्वे अब किस में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 248, सपा खत्म है 80, बसपा खत्म है 35, कांग्रेस पार्टी खत्म है 4, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 4 सीटें मिल पा रही है। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 2 सीट। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 386 विधानसभा सीट का सर्वे अब किस किंत कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 256, सपा खाते में 83, बसपा खाते में 39, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 4 सीटें जाने की वो भी संभावना की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 8 ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर सपा। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 4 पर बीजेपी तो 1 पर सपा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें हैं, सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे अब किस में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 271, सपा खाते में 85, बसपा खाते में 39, कांग्रेस पार्टी खाते में 4, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें।